दोस्तों नमस्कार, मैं रवि कुमार। आज हमारे स्टूडियो में एक बार फिर से हमारे मेहमान हैं ऋषि कुमार जी, जो कि पेशे से वकील हैं। आज हम उनसे हमारे देश की न्याय व्यवस्था के बारे में बात करेंगे। तो इनसे मेरा पहला सवाल है कि हमारे कोर्ट्स में लाखों मुकदमे पेंडिंग हैं, इनमें कौन जिम्मेवार है? नमस्कार रवि कुमार जी। देखिए, इससे पहले मैं आपको इस सवाल का जवाब दूँ, मैं दर्शकों को बता देना चाहता हूँ कि हम ये वीडियो डिस्ट्रिक्ट कबीरपुर हिमाचल प्रदेश में बना रहे हैं। ये जो केसेस पेंडिंग है कोर्ट्स में लाखों की संख्या में, इनके लिए न्यायाधीश माननीय सम्माननीय प्रशासन और कुछ हद तक ये जनमानस भी जिम्मेदार है। आपके जवाब से यह लग रहा है कि इसकी जिम्मेदारी सरकारों, उच्च अधिकारियों और न्यायाधीशों की है। देखिए, मेरा आरोप नहीं है, कोई नहीं चाहता कि इसमें कुछ सुधार किया जाए। सभी अपनी अपनी ड्यूटी आराम से कर रहे हैं और अपना टाइम पास कर रहे हैं, और इसको सही करने के लिए कोई भी आदमी सही कदम नहीं उठाना चाहता। इसके लिए जरूरत है एक जिम्मेदार और ईमानदार प्रयास की। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जो सिविल कोर्ट में ज्यादातर जो केसेस हम डील करते हैं वो इंजंक्शन के हैं, और वो केस 5-6 साल तक चलते रहते हैं। अब एक तरह का इंजंक्शन केस है कि जैसे कोई दूसरा आदमी किसी की जमीन में दखलंदाजी करता है या निर्माण शुरू कर देता है, तो वो पहले तो वो अपने तरीके से रुकता है, अगर नहीं रुकता है तो फिर वो सिविल कोर्ट में जाता है, तो सिविल कोर्ट उसको स्टे जारी कर देता है, उसको रोक देता है कि भाई आप फलां आदमी की जमीन में दखलंदाजी नहीं करेंगे। वो रुकता है या नहीं रुकता है वो अलग विषय है, परंतु वो कर देता है स्टे। फिर वो केस जो काफ़ी दिनों तक चलता रहता है, 6 साल भी चल जाते हैं, उसको 7 भी चल जाते हैं, कई बार 3 साल में भी हो जाता है। अब एक दूसरे तरह का इंजंक्शन केस है, वो इस तरह का है कि किन्हीं 2-3-4 आदमियों की साझा जमीन है, तो उसमें कोई एक आदमी, कोई हिस्सेदार अगर निर्माण शुरू कर देता है, अच्छे हिस्से पर सड़क के किनारे निर्माण शुरू कर देता है, तो वो पहले तो उसको कोई भी आदमी है वो सभ्य तरीके से उसको रोकेगा, अगर नहीं रुकता तो फिर न्यायालय की शरण में जाता है। तो वो केस भी, वो सिविल केस भी, वो 3 साल भी, 4 साल भी, 5 साल भी, 6 साल भी चलता रहता है। तो कई बार क्या होता है कि वो केसेस जो है वो इतनी बुरी तरह से प्रभावित करते हैं लोगों को कि पूछो। अब क्या इस दोनों तरह के जो इंजंक्शन केस है वो कितने समय तक चलने चाहिए? क्या 3 साल चलने चाहिए, 4 साल चलने चाहिए, 5 साल चलने चाहिए, क्या है क्या है? देखिए, लैंड रेवेन्यू एक्ट में प्रोविजन ऐसा है कि जो डिमार्केशन की एप्लीकेशन है, निशानदेही, अगर किसी को पता करना हो कि मेरी जमीन कहां तक है, तो ज्यादा से ज्यादा तहसीलदार को या नायब तहसीलदार को 6 महीने में समाप्त कर देनी होती है। और ये जो पार्टीशन एप्लीकेशन है, ये किसी भी हाल में 9 महीने में कर देनी है। अगर तहसीलदार साहब अपनी ड्यूटी सही तरीके से करें, तो वो जो सिविल कोर्ट में दोनों तरह के जो मैंने इंजंक्शन केस बताए, वो 9 महीने से ऊपर नहीं चल सकते। परंतु तहसीलदार साहब या नायब तहसीलदार साहब अपनी ड्यूटी ठीक ढंग से नहीं करते, इसलिए वो केसेस वो 5-6-10 साल तक चलते रहते। अब एक एग्जांपल से बताता हूँ आपको। जिस आदमी ने इंजंक्शन का केस कर दिया कि जी फलां आदमी मेरी जमीन पर निर्माण करना चाहता है, तो वो ना, तो उन दोनों पार्टियों में क्या डिस्प्यूट है? डिस्प्यूट सिर्फ ये है कि उनको ये पता चल जाए कि मेरी जमीन कहां तक है। तो इसका सीधा सा हल ये है कि एक पार्टी उठे या कोर्ट्स ऐसी डायरेक्शन दे दे दोनों पार्टियों को कि आप निशानदेही लो, या कोर्ट्स अपने तरीके से तहसीलदार साहब को लिख दे कि जी आप निशानदेही करके दे दो। तो जैसे ही एप्लीकेशन देगा कोई भी फ्री कैन या कोई भी पक्ष, तो 6 महीने में डिमार्केशन की एप्लीकेशन समाप्त कर दी जाएगी, डिस्पोज ऑफ कर दी जाएगी। तो वो केस 6 महीने से ऊपर नहीं चल सकता, पर चलता कितना है? 7 साल भी चल जाता है। तो होता क्या है, ना तो न्यायालय इस चीज को गंभीरता से लेता है कि जी तहसीलदार साहब अपनी ड्यूटी पूरी ठीक ढंग से नहीं कर रहे, ना ही तहसीलदार साहब के पास कोई एप्लीकेशन कोई दे दे तो वो भी नहीं अपनी ड्यूटी पूरी करते। होता क्या है कि दोनों, एक तरफ न्यायाधीश और एक तरफ तहसीलदार साहब, इन दोनों के चक्कर में जो आम आदमी फिसके रह जाता है, उसकी तो कोई गलती नहीं है,
दूसरे ने तो एप्लीकेशन देनी और उसको खत्म हो जाना चाहिए 6 महीने में, परंतु नहीं। अब एक और बात बताता हूं, कई बार क्या होता है, डिमार्केशन की एप्लीकेशन दे दी जाती है, डिमार्केशन भी हो जाती है, परंतु जो कानून वो साहब है वो डिमार्केशन ठीक नहीं देते, कभी वो भीड़ बनना इधर उधर कर देते। ये भी बोला जा सकता कि रिश्वत लेके कर देते हैं, अगर वो कर दें बाई चांस तो फिर उसका कोई जो आम आदमी उसके पास उसको वो जा वो कुछ नहीं कर सकते उसका। और बड़ी गंभीरता का प्रश्न है कि कोई आदमी गलती करता है, जैसे डिमार्केशन की एप्लीकेशन वो 6 महीने में तहसीलदार साहब ना करें, बल्कि कानून में लिखा हो कि करनी ही पड़ेगी, वो ना करे तो उसको कोई सजा जुर्माना नहीं। अगर कोई पक्ष डिमार्केशन की एप्लीकेशन दे देता है और कानून वो साहब ठीक नहीं करते हैं, तो भी उनको कोई पूछने वाला नहीं कि आपने ठीक क्यों नहीं करके दी। कई बार मैंने देखा है कि जब कोर्ट्स में डिमार्केशन की रिपोर्ट जाती है तो कोर्ट्स उसको सेट असाइड कर देता है कि जी डिमार्केशन एप्लीकेशन जो है वो ठीक ढंग से नहीं की गई, कानून अनुसार नहीं की गई, हाई कोर्ट्स के रूल के अनुसार नहीं की गई या फाइनेंस कमिश्नर के रूल्स के अनुसार नहीं की गई, वो सेट असाइड कर देता है। परंतु न्यायालय भी कभी ये जहमत नहीं उठाता कि वो उस कानून को या तहसीलदार को ये पूछे कि भैया आपने क्यों नहीं की ठीक ढंग से। तो उनके ठीक काम करने से, ठीक काम नहीं करने से जो एक पक्ष मुसीबत उठाता है या परेशानी झेलता है, उसका कोई हल नहीं, कोई नहीं पूछने वाला। अब दूसरी तरह का केसेस में आता हूं, जब इंजंक्शन दे दिया जाता है कि कोई साझीदार जो वो निर्माण कार्य नहीं करेगा, तो कुछ पक्ष जो है वो एप्लीकेशन दे देते हैं तहसीलदार साहब के पास। तो होना तो ये चाहिए कि जैसे ही न्यायालय ने इंजंक्शन ऑर्डर जारी किया कि कोई पक्ष निर्माण नहीं करेगा जब तक तकसीम नहीं हो जाती, तो जैसे ही एप्लीकेशन जाए वो 9 महीने में खत्म हो जाएगी, तो 9 महीने बाद सिविल सूट जो है वो खत्म हो जाना चाहिए। परंतु होता तो है नहीं, होता तो ये है कि वो 5 साल चल जाता है। कोई ईमानदार पक्ष कई बार ऐसा हो जाता है कि वो सरिया रख लेता है, सीमेंट रख लेता है, कुछ रख लेता है निर्माण करने के लिए, तो कोर्स में तो 10 साल तक पढ़ने का रहता है, तो उसके बेचारे का वो इतने घाटे में चला जाता है वो आदमी कि उसका कोई हिसाब नहीं। जिम्मेदार कौन है? तहसीलदार साहब जिम्मेदार है, रेवेन्यू एजेंसी जिम्मेदार है, सिविल कोर्ट जिम्मेदार है, वो उसको नहीं पूछता। कई बार तो सिविल कोर्ट के नोटिस में आ जाती है बात कि फला पक्ष जो है वो तकसीम नहीं होने दे रहा है, परंतु कोर्ट कुछ नहीं करते। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार हुआ? न्यायाधीश जिम्मेदार हुए, तहसीलदार साहब जिम्मेदार, ऊपर से जनमानस भी कुछ जिम्मेदार है कि वो अपने सरकारों से पूछते नहीं कि भाई ऐसा क्यों है। तो मेरा तो मानना है कि किसी भी तरह का जो दो तरह के मैंने इंजंक्शन केस आपको बताए, उन दोनों केस में 9 महीने से सिविल कोर्ट में केस नहीं चलती। मैं तो ये भी समझता हूं कई बार कि सिविल कोर्ट को इंजंक्शन ऑर्डर देते समय ये शर्त लगा देनी पड़ी चाहिए कि अगर डिमार्केशन की रिक्वायरमेंट है तो 6 महीने से ऊपर स्टे नहीं मिले, अगर पार्टीशन के चक्कर में वो इंजंक्शन देते तो 9 महीने से ऊपर नहीं मिलना चाहिए स्टे, परंतु न्यायाधीश ऐसा नहीं करते। अगर उनका ईमानदार प्रयास रहे तो ये केसेस बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे। देखिए, मैंने ये जानने के लिए कि क्या रेवेन्यू कोर्ट्स जो हैं, जैसे तहसीलदार साहब हैं, नायब तहसीलदार साहब हैं, अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, मैंने तहसीलदार बड़सर के ऑफिस में एक एप्लीकेशन दी राइट टू इंफॉर्मेशन में, तो मैंने वहां पाया कि काफी संख्या में जो केसेस हैं पार्टीशन के वो 2018 के भी पेंडिंग, 19 के भी पेंडिंग और 20 के भी पेंडिंग, और डिमार्केशन की एप्लीकेशन 2019 की भी पेंडिंग है, 20 की भी पेंडिंग, आज 2021 चल रहा है। ठीक वैसे ही तहसीलदार साहब के ऑफिस में देखो पार्टीशन एप्लीकेशन जो है वो 2015 से लेके अब तक पेंडिंग है, 15 की, 2016 की, 2017 की, 18 की, 19, 20 पेंडिंग, और डिमार्केशन एप्लीकेशन 2018 की भी, 19 की भी और 20 की भी। इट मीन्स ये मतलब इसका निकलता है कि रेवेन्यू बोर्ड जो है वो ठीक काम नहीं कर रहा। अब होना तो ये चाहिए कि ये अपना काम ईमानदारी से करें, परंतु नहीं कर रहे। अब हम पूरा का पूरा दोष तहसीलदार साहब और नायब तहसीलदार साहब को के ऊपर लगा दें, उनको थोड़ा जाती हो जाएगी,
अब क्या ज्यादती हो जाएगी? होता क्या है, जैसे मंदिर में मिलने लग जाते हैं तो तहसीलदार साहब मेला ड्यूटी पर, इलेक्शन हो जाता है तो तहसीलदार साहब इलेक्शन ड्यूटी पर, कोई महामारी अब जैसे कोरोना हो तो तहसीलदार साहब कोरोना की ड्यूटी पर, जनगणना तहसीलदार साहब किसी की ड्यूटी पर, कोई दूसरी बात हो जाए तो वो उसकी ड्यूटी पर, कोई ऐसी कोई दुर्घटना हो गई, किसी का मकान गिर गया, तहसीलदार साहब उसकी ड्यूटी पर। तो सरकारों को चाहिए कि सिविल कोर्ट की तर्ज पर एक सब डिवीजन में एक रेवेन्यू कोर्ट खोल दिया जाए, परंतु सरकार नहीं कर रही। आम जनमानस इसलिए जिम्मेदार है कि वो सरकारों को पूछता नहीं, जैसे नेता लोग आते हैं उनको पूछता नहीं, जगह जगह तहसील खुल गई, कुछ केसेस वहां पेंडिंग है, कुछ केसेस वहां पेंडिंग है, कोई आता जाता है। तो इस नजरिए से मैं देखता हूं तो ये सभी लोग जिम्मेदार है, ईमानदार प्रयास जो है वो कोई भी नहीं कर रहा, ना न्यायाधीश कर रहे, ना तहसीलदार साहब कर रहे, ना कानून को कर रहे, ना कोई दूसरा कर रहे। देखिए एक और एग्जाम्पल बताता हूं मैं आपको, और मैं अपने अनुभव से बताता हूं। कभी कभी मैंने देखा है जो रेवेन्यू रिकॉर्ड बनता है, हर आदमी के पास जमीन है, कोई खेत है, कोई उसकी घास नहीं है, तो उनकी लंबाई चौड़ाई रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज होती है, जैसे लट्ठा, मम्मी और मुसाफी, ये जो रेवेन्यू रिकॉर्ड है उसमें दर्ज होता है ये, तो उसमें घास नहीं है किसी की या खेत है किसी का। जैसे किसी का खेत है, एग्जांपल से बताता हूँ कि 10 मीटर लंबा है, 20 मीटर चौड़ा है, तो अगर किसी कानूनगो ने या पटवारी ने गलती से या जानबूझ के पैसा लेके रिश्वत ले 10 मीटर का 19 मीटर कर दिया। अब कई बार तो क्या होता है कि पार्टी से को पता नहीं चलता, सालों तक कौन देख रहा जाके कि मेरा खेत कम हो गया। तो जैसे ही किसी का खेत 10 मीटर से 19 मीटर हो जाता है, 9 मीटर बढ़ गया, तो किसी का कम हो जाएगा। तो कई बार क्या होता है कि 10 साल बाद आदमी को पता चलता है कि जी मेरा खेत तो कम हो गया, फिर वो वकील से मिलता है, वो बोलता है ठीक है जी करेक्शन करनी पड़ेगी, करेक्शन भी हो जाती है। हालांकि मैंने तो ये देखा कि करेक्शन जो एप्लीकेशन जो है वो 10 साल तक पेंडिंग रहती है, पर चलो मानो करेक्शन हो गया। तो करेक्शन जब हो जाती है तो कोई पूछने वाला नहीं है कि भैया गलती हुई क्यों। जो कानून को जो पटवारी जो तहसीलदार साहब इतने बड़े बड़े अहदे पर हैं, इतनी अच्छी तनख्वाह ले रहे हैं, वो गलती करते हैं, भुगतता कौन है? आम जनमानस, आम आदमी भुगतता है। कोई नहीं पूछता किसने गलती क्यों की। एक आदमी हेलमेट ना लगाए गलती से या भूल जाए जुर्माना, उसको कोई नहीं बचा सकता, परंतु सरकारी आदमी कोई गलती कर सर काट दे किसी, कोई पूछ नहीं। तो होता क्या है, जैसे मैंने डिमार्केशन के केस में बताया आपको, जैसे मैंने आपको पार्टीशन के केस में बताया, मैंने आपको एक करेक्शन के केस में बताया, इन लोगों की जो ड्यूटी है वो ठीक नहीं करते हैं तो भुगतता कौन है? आम आदमी, कोई नहीं पूछ रहा। तो ईमानदार प्रयास जो है वो नहीं किया जा रहा, ना सरकारों के द्वारा, ना न्यायाधीशों के द्वारा, ना किसी दूसरे के। तो ये जो केसेस पेंडिंग का जो आपका टॉपिक था, मेरी नजर में ये लोग सभी जिम्मेदार, और जितनी अच्छी तनख्वाह लेते हैं मुझे लगता है कि इनको शर्म नहीं है बाकी समझ, इनको ये नहीं पता कि आम आदमी जो वो कितनी मुश्किल से टैक्स देके कितनी हालत खराब है उसकी, इन लोगों को अच्छे से पाल रहा है, नवाबों की तरह ही बैठे हुए, शर्म नहीं है। देखिए आरोप लगाना बहुत आसान है, आप भी लगा सकते हैं, कोई भी लगा सकते, लेकिन इसका हल क्या है? जैसे आपने पूछा कि इसका क्या हल है, इसका हल ये है कि जैसे सब डिवीजन लेवल पर सिविल कोर्ट है, वैसे ही सब डिवीजन लेवल पर रेवेन्यू कोर्ट खोलने चाहिए, और वो रेवेन्यू कोर्ट सिर्फ वो ही काम करें, जैसे मैंने तहसीलदार साहब का उदाहरण दिया कि उनका कहीं भी ड्यूटी लग जाती है, वैसे उनको वो वही काम करें। तो इससे जो है वो जो लैंड रेवेन्यू एक्ट में जो प्रोविजन है उसका कड़ाई से पालन हो सके, और नंबर ये तय हो, ऐसा कहीं कानून बने, अमेंडमेंट हो लैंड रेवेन्यू एक्ट में, कि अगर तहसीलदार साहब या कानूनगो साहब या पटवारी साहब डिमार्केशन के केसेस में या पार्टीशन के केसेस में अपनी ड्यूटी ठीक ढंग से न करें, उन तो उनके लिए भी अच्छे से फाइन होना चाहिए, सजा जुर्माना होना चाहिए। और जैसे मैंने आपको करेक्शन एप्लीकेशन के बारे में बताया, जैसे किसी का खेत कम हो जाता है ज्यादा,
तो उसके लिए जो गलती करे उसी को सजा मिलनी चाहिए। ऐसा ना हो कि गलती करे पटवारी साहब या कानूनगो साहब या तहसीलदार साहब, भूते कौन, आम आदमी। तो इसका ये मेरा ये सुझाव है कि इसका ये उपचार है। और रही बात आपकी कि ये कैसे हो या क्यों हो, तो इसके लिए सबको एक ईमानदार प्रयास करना पड़ेगा, न्यायाधीशों को भी, सरकारों को भी, हम लोगों को भी, आम आदमी। अंत में मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा, जो भारत का जो आम जनमानस है, हो सकता कि इसी दूसरे स्टेट में कुछ और परिस्थिति हो, हमारे स्टेट में हिमाचल प्रदेश में कोई और परिस्थिति हो, परंतु एक बात तो पक्का है कि भारत का जो जनमानस है, जो आम जनमानस है, वो अपने वीर बन्नों की लड़ाई पर उलझा हुआ है। और हम बात करते हैं मंगल पर पहुंचने, जब आम आदमी की शक्ति जो है वो न्यायालय में इन छोटे छोटे केसेस पर अटकी हुई है, तो हम कैसे करेंगे। तो मेरा तो प्रयास ये है कि आम आदमी को जगाया जाए, ये जो प्रशासनिक अधिकारी इनको जगाया जाए, न्यायाधीश इनको जगाया जाए। हमारा देश तरक्की तभी कर पाएगा जब शक्ति को हम सही दिशा में लगाएं। तो मेरा तो प्रयास ही है कि आम आदमी को जगाया जाए, और अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो हमारा समर्थन करें, हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपका कोई सुझाव इस वीडियो के बारे में, कोई और अच्छा कुछ करना चाहते हैं कोई, तो हमें जरूर कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू।